आर्डिनो यूनो प्रोसेसर, स्मार्टफोन, ब्लूटूथ कंट्रोल कार। कंपोनेंट रिक्वायर्ड में आर्डिनो चाहिए, मोटर ड्राइवर चाहिए, ब्लूटूथ कंट्रोलर चाहिए, कनेक्टर वायर चाहिए, डीसी मोटर चाहिए। ये चेचिस के पार्ट्स हैं, आप जिसको देख रहे हैं ये सारे पार्ट्स। ब्लॉक डायग्राम कैसे मोटर्स DC1 DC2 और आपके आर्डिनो मोटर्स, आर्डिनो ब्लूटूथ और डीसी मोटर कैसे काम करें। नेम एप्लीकेशन कौन सा है जो मोबाइल में आर्डिनो ब्लूटूथ RC कार। सर्किट डायग्राम आपका, ये सर्किट डायग्राम कैसा, ये आपका प्रोग्राम आप यहाँ से भी ले सकते हो, और एक साइट है जो मैं आपको आगे बताता हूँ वहाँ से भी ले सकते हो। प्रोग्राम आपको ये लिखना है तो यहाँ से इसको देख के लिख सकते हो, प्रोग्राम बिल्कुल चलेगा आपका। ये आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट है आर्डिनो होम ऑटोमेशन यूजिंग आर्डिनो। इसके बाद नेक्स्ट, कंप्यूटर पे मैंने कनेक्ट किया आर्डिनो बोर्ड। आर्डिनो बोर्ड कनेक्ट करने के बाद मैंने एक साइट पे गया, स्मार्ट फोन ब्लूटूथ कंट्रोल कार यूजिंग आर्डिनो। तो जिस साइट से मैंने प्रोग्राम को कॉपी किया आप भी उसी साइट से जाके कॉपी करना। तो क्या है, रोबोट द स्पेसिक ऑन द अर्थ ब्लूटूथ कंट्रोल स्मार्टफोन वाला जो है, इसके नीचे जैसे ही प्रोग्राम चालू होगा इस प्रोग्राम को अपने को कॉपी करना। कॉपी करने के बाद एंड प्रोग्राम तक कॉपी करना। कॉपी करने के बाद इसको आर्डिनो पे जाके पेस्ट करना। पेस्ट करने के बाद अपने टूल्स में जाके पता करना कि जो आर्डिनो बोर्ड हमने लगाया वो लगा है या नहीं, प्रॉपर लगा चेक कर लिया। इसके बाद इसको डन कर दिया। डन प्रोग्रामिंग जैसे लिखा आएगा, क्या लिखा है, डन अपलोडिंग, प्रोग्राम अपलोड हो गया हमारा। अब इसको हम बंद कर देंगे क्योंकि अब प्रोग्राम हमारा माइक्रो कंट्रोलर में चला गया है। अब हम किट बाहर निकालेंगे। हम आपको कनेक्ट करना, ये देखो ये आर्डिनो है, ये जिसपे मैंने, ये ब्लूटूथ है। ब्लूटूथ पे आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि क्या क्या लिखा हुआ है। EN लिखा होगा, एक Z 5 वोल्ट ग्राउंड, उसके बाद है ट्रांसमिटिंग, रिसीविंग और सैटेलाइट, है ना। तो अपन क्या करेंगे, इस बाकी पिनों को ऊपर कर देंगे, ग्राउंड और 5 वोल्ट को कनेक्ट कर देंगे जो आर्डिनो पे पिन पे कनेक्ट है। देखो आप दिख रहा है आपको, आर्डिनो पे मैंने कनेक्ट कर दिया, तो ग्राउंड और 5 वोल्ट को मैंने इसको कनेक्ट कर दिया आर्डिनो से डायरेक्ट। अब M1 M2 है ना, जो मोटर IC जो है वहाँ पे A1 A2 और B1 B2। तो अभी जो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ A1 A2 A1 A2 B1 B2 देखो ये B1 B2। तो ये क्या कहो, कहाँ का कनेक्ट करना, 12 10 11 12 और 13। तो ये आप इसको कनेक्ट करेंगे कहाँ से, 10 11 12 और 13। आप डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे, एक लेंगे पिन जो ट्रांसमिटिंग होगा और रिसीवर जो 0 नंबर की पिन होगी आर्डिनो उस पर कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद मैंने आपको चेचिस मोटर के कनेक्शन बता रहा हूँ कि वहाँ पे, और जो बीच में है वो काय का कनेक्शन है आपका, बैटरी का। अब ब्लूटूथ आपका ऑन हो गया है, प्रोग्राम पूरा ऑन है। अब आपको इसको मोबाइल में कनेक्ट करना है। मोबाइल में कनेक्ट करने के बाद ब्लूटूथ आपको दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है ये देखना है। जैसे मैं मोबाइल कनेक्ट करूँगा तो आपको ये दिखेगा कि मोबाइल में क्या क्या कनेक्ट हो रहा है कि नहीं, देखते हैं आगे। सबसे पहले मैंने गूगल ओपन किया क्योंकि मेरे पास वो ऐप नहीं है, तो ऐप को ओपन करने के लिए ब्लूटूथ RC हाँ, तो क्या आर्डिनो ब्लूटूथ RC कार आ गया। मैं इस पर क्लिक किया मैंने, तो इस पर क्लिक करने के बाद एक इंस्टॉल का ऑप्शन आया, इंस्टॉल किया मैंने इसको। जैसे मैंने इसको इंस्टॉल किया ये है ना, अब इंस्टॉल हो रहा है प्रोग्राम मेरा। इंस्टॉल होने के बाद देखिए आप ओपन किया, ओपन करने के बाद मैं इसको एक देखिए ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद क्या होता देखो, ओपन करने के बाद ये अलाउ बोलेगा, इसको अलाउ करना है आपको। अलाउ करने के बाद कनेक्ट टू कार लिखा रहा है, इस पर क्लिक करेंगे अपन। इस पर क्लिक करने के बाद जो मेरा यहाँ पे लिखा है, तो ये मॉडल इसमें कनेक्ट हुआ या नहीं देखो, क्योंकि SC05 कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ देखना ये मॉडल इससे। तो ये क्या बता रहा है देखते हैं, ये अपडेट हो रहा है हाँ, ये नो कनेक्ट टू कार, ये क्या बोला, नहीं कनेक्ट है। तो हम कहाँ जाएंगे, इसको ब्लूटूथ में जाएंगे, ब्लूटूथ में जाके चेक करेंगे कि कनेक्ट हुआ या नहीं। ब्लूटूथ पे गए, सर्च किया तो ये आ गया एक 0018E503, इस पर कनेक्ट किया। अभी देखो इस पर एक पासवर्ड मांगता है, क्या मांगा है, लिखा हुआ यूजुअली 00 या 1234 डाल दो, क्या डाला 1234 डाल दिया मैंने। अब ये कनेक्ट हो जाएगा, क्या लिखा है कनेक्ट। अब मैंने इसको वापस अपने ऐप पे जाऊंगा, ऐप ओपन किया, ओपन करने का कनेक्ट टू कार, कनेक्ट करने के बाद कैस ये कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने के बाद आपका ये ग्रीन लाइट आ रहा है, देखो आ गया ग्रीन लाइट, ये कनेक्ट हो गया, लिखा भी आ गया कनेक्ट टू SC05।
तो आपका ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने के बाद देखो ये कार कैसे चल रही है, देखो कार कैसे ऐप से चला रहा है। तो ये देखो ऐप, देखो अप किया तो अप की तरफ जा रहा है, इसको देखो राउंड किया है, देखो एक राउंड कैसे हो रहा है, बैक अप। तो इसका बटन है ऐप और बैक का, देखो ये बैक किया, देखो ये बैक किया, इसके बाद राइट या लेफ्ट आपको जो भी मोड़ना है तो आप इसको मोड़ सकते हो। देखो ये मोड़ रहा है। तो इस तरह मैं आपको ये प्रोग्राम करके बताया, आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। नहीं पसंद आया होगा तो मैं आप लाइक कमेंट ज़रूर करें, यदि आप कमेंट नहीं करोगे तो हमें पता नहीं चलेगा। आप इसको लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। बहुत शानदार प्रोजेक्ट आपके लिए बना के तैयार किया हुआ है ये। मैं सुनील इंगले आप बोल रहा हूँ, मेरा चैनल है सुनील इंगले करके, आप इस पर लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और ये ऐप के थ्रू बिल्कुल शानदार आपका ये व्हीकल चल रहा है, देखो